नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा KKR वर्सेस सनराइजर हैदराबाद की सेकेंड IPL की टीम दूंगा, ड्रीम इलेवन T20 ड्रीम इलेवन और प्लेस पर दोनों के दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में बात भी करूंगा कि पिछला क्या इन दोनों के बीच में रिकॉर्ड रहा है और प्रीव्यू पूरा प्रीव्यू बताऊँगा एंड पिच रिपोर्ट बताऊँगा और दोस्तों फाइनेंस रिकॉर्ड क्या रहा है, अब बैटल प्लेयर बैटल बताऊंगा, ये सब चलिए बात कर लेते हैं। और दोनों की प्ले इलेवन दूंगा दोस्तों। जैसे मैंने पिछला प्ले इलेवन दिया था फर्स्ट T20 CSK और RCB की, जिसमें फाफ डुप्लेसिस और टीम साथ नहीं खेले थे, तो जब टॉस के बाद प्ले इलेवन मिल जाती है तो वहाँ तो मैं अपनी टीम एडिट कर लेता हूँ। जिन भाई ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा वो भाई हो तो नहीं एडिट कर पाए होंगे, इसलिए आपको कंपलसरी हो गया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप मेरा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। चलिए बात कर लेते दोनों की प्ले इलेवन क्या हो सकती है और अब प्रीव्यू क्या है। तो दोस्तों मैच ईडन गार्डन होने वाला कोलकाता के ईडन गार्डन में, वहाँ अभी तक टोटल इंटरनेशनल T20 जितना टोटल T20 हुए हैं 70 T20 हुए हैं इंटरनेशनल मैच मिलाकर और उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किया उसने 27 विन किया है और जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग किया उसने 43 विन किया है दोस्तों। मतलब सेकेंड इनिंग जो बैटिंग करता है वो विन करता है दोस्तों, ऐसे परसेंटेज बता रहा है। और ऐसे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 से लेकर 152 तक है दोस्तों और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 142 से लेकर 145 तक है दोस्तों। एंड हाई स्कोर यहाँ का अभी तक बना हुआ 210 है दोस्तों, 6 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस ने बनाया था, किसके खिलाफ KKR खिलाफ ही बनाया था। एंड हाई स्कोर चेज किया गया है 204 चेज किया गया है दोस्तों, 204 दो विकेट मात खोकर, वो भी किसने चीज़ किया है, किंग्स इलेवन पंजाब ने, वो भी KKR के विरुद्ध ही चीज किया है। और हेड टू हेड दोनों, अब बात करें हेड टू हेड कितने मैच खेले हैं दोनों हैदराबाद और KKR ने, तो हेड टू हेड 15 मैच खेले हैं जिसमें KKR ने 9 जीते हैं, मतलब 9 सनराइजर हैदराबाद ने 6 विन किए हैं दोस्तों, मतलब पड़ा भारी है KKR का ही। वैसे बात करें कि लास्ट सीजन में जो 2018 का IPL का मैचेस था उसमें 3 मैचेस हुए थे, 2 लीग मैचेस, एक प्ले ऑफ मैच हुआ था दोनों के बीच में, और दो मैच हुए थे, दोनों में 3 मैच हुए थे, 2 मैच जीते थे हैदराबाद ने विन किए थे और बाकी एक विन किया था वही KKR विन किया था। वैसे अब बात करें कि लास्ट 5 KKR का मैच बात करूँ तो 5 में से 4 विन किया है KKR और एक हारा है, वही एक हारा है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हारा है। और वैसे सनराइजर हैदराबाद की बात करें कि वो लास्ट 5 में से एक ही विन किया है, वो भी KKR को हारा है, लास्ट 5 में से एक विन किया है, 4 हार गया है, जो विन किया वो भी KKR के विरुद्ध ही विन किया हैदराबाद ने। एक और सबसे रिकॉर्ड अच्छी बात फाइनेंस रिकॉर्ड क्या है, भुवनेश्वर कुमार ने 25 विकेट लिए हैं दोस्तों अगेंस्ट KKR में, अभी तक कोई भी बॉलर ने KKR के विरुद्ध 20 से ज़्यादा विकेट भी नहीं निकाले, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने 25 विकेट निकाले हैं दोस्तों। एंड ऐसे वेदर तो क्लियर रहेगा और पिच रिपोर्ट बात करें न्यूट्रल रहेगा, बॉलिंग ज़्यादा ज़्यादा कोई मिल सकती है, मदद मिलती है ज़्यादा स्पिन बॉलर को, जैसे पिछले मैच में स्पिन ट्रैक विकेट है मदद मिलती है, जैसे पिछला मैच में जो कल का मैच हुआ उसमें हरमन सिंह और इमरान तहन 3-3 विकेट निकाले, इसमें न्यूट्रल विकेट रहेगी लेकिन स्पिन को मदद मिल सकती है, जैसे सुनील नारायण को मिल सकती है, राशिद खान को मिल सकती है और ये सब बॉलर जो स्पिन मदद मिल सकती है। और बात करें कि प्लेयर बैटल के बीच में कार्तिक और भट्ट साकिब, कार्तिक अच्छे नहीं खेल पाते हैं साकिब वाले से हसन को, 2 बार आउट हो चुके हैं साकिब हसन आउट किया है, मात्र 25 डिलीवरी में 2 बार विकेट ले चुके हैं, 25 बॉल किए हैं 25 बॉल और साकिब ने कार्तिक खिलाफ 2 विकेट उनको 2 बार आउट कर चुके हैं। और वैसे ही क्रिस लिन राशिद खान का अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो ये प्लेयर बेटर है दोस्तों। तो ये कुछ प्रीव्यू है दोस्तों, चलिए प्ले इलेवन में बात करें कि क्या प्ले इलेवन क्या है।
क्रिस लिन सुनना है, चार दोस्तों के बाद चार ही विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं एक मैच में, आईपीएल की टीम में चार ही विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं। तो क्रिस लिन सुनारायण दोनों हैं एंड रसेल फर्गुसन है, तो ये मुझे मेरे ख्याल से होनी चाहिए दोस्तों। ये अगर ये प्लेयर अगर मैं टीम बनाता कोई भी मिस होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, या आपको मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और यहाँ उथप्पा है, गिल है, शुभमम गिल, नीतीश राणा है, कभी बॉलिंग करते पार्ट टाइम कभी बॉलिंग करते नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक कैप्टन है, विकेट कीपिंग भी करेंगे और कभी कभार और जब जरूरत पड़े तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं। एंड्रू रसेल है, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, पी चला और रिंकुम को ये खेलेगा दोस्तों, फर्गुसन है। आप देख सकते हैं के नागरकोटी एंड शिवम अभी एंड नॉर्जे ये नहीं खेलेंगे, रूल आउट हो चुके हैं, आईपीएल से रूल आउट हो चुके हैं, नहीं खेलेंगे तो इनको पिक ही नहीं करना है। आप बेंच में देख सकते हैं डेलनी है, नायक है, ब्रेथवेट है, हैरी गुन्ने, पृथ्वीराज है, समुंडे, वारियर, केसी करियप्पा, ये सब बेंच में है दोस्तों, कोई भी खेल सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं प्रोबेबल प्लेयर बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये हो सकती है कि क्या प्लेयर लेवा दोस्तों। फिर भी अगर प्लेयर मिल जाती है तो अपडेट टीम देता हूँ अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना है। अब बात करें हैदराबाद की, यहाँ कुछ माथापेची है प्लेइंग इलेवन में, आप देख सकते हैं केन विलियमसन थोड़ा इंजर्ड है, अगर फिट हो जाए तो कैप्टनसी करेंगे और खेलेंगे अभी, लेकिन कुछ कोई न्यूज़ नहीं है फिट हुए कि नहीं हुए। और यहाँ से डेविड वार्नर कंफर्म हुआ तो खेलेंगे डेविड वार्नर, यहाँ से अब देखिए अगर केन विलियमसन खेलते जॉनी बेसो नहीं खेलेंगे, क्योंकि चार ही प्लेयर खेल सकते हैं यहाँ, वार्नर, केन विलियमसन, शाकिब हसन और राशिद खान, ये तो खेलना ही है। अगर केन विलियमसन नहीं खेलेंगे तो बेसो खेलेंगे और अटैक ओपनिंग करेंगे और विधिमान सर नहीं खेलेंगे। आप यहाँ अगर केन विलियमसन नहीं खेलेंगे तो यहाँ हुड्डा खेलेंगे, हुड्डा खेलेंगे, यहाँ यूसुफ पठान भी खेल सकते हैं। अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो हुडा नहीं खेलेंगे, केन विलियमसन नहीं खेलते तो हुडा, दोनों में से हुडा में से उसी पर हमें कोई खेल सकता है, कुछ ऐसे कुछ यहाँ कन्फ्यूजन है दोस्तों, कोई भी खेल सकता है, इसलिए सेफ प्लेयर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, जॉनी ब्रेसो धीमान को ये खेलेगा, विजय शंकर है, मनीष पांडे है, शाकिब हसन है, यूसुफ पठान है, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौर, संदीप शर्मा, खलील अहमद में कोई एक है दोस्तों। उससे एक्स्ट्रा और स्पिन बॉलर के साथ जाना चाहे हैदराबाद तो यहाँ से आप शहबाज नदीम जो उनको खिला सकते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप बेंच में ही गप्टे भी कभी खेल सकते हैं, अभी है, गोस्वामी है, मोहम्मद नबी भी है, अभिषेक शर्मा, थम्पी, बिल सेंटर, लेग नटराजन, ये दोस्तों बहुत सारे बेंच में दोस्तों कोई भी खेल सकता है, इसलिए फिर मैं सेफ प्लेयर आपको दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं प्लेस फॉर टीम की, तो दोस्तों जिन भाई ने प्लेस फॉर खेलना स्टार्ट नहीं किया खेल सकता है, वहाँ आपको 100 रुपीज़ फ्री खेलने देता है, खेलने के लिए भी जब आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करके साइन अप कीजिएगा तो 100 रुपीज़ खेलने देगा। और ये 100 रुपीज़ चाहे एक मैच में एक ही लीग में लगा सकते हैं, क्योंकि क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100% बोनस यूजेबल है और आपको ऑफर भी दे रहे थे सर। इस IPL आप घर बैठे कार, रॉयल एनफील्ड और स्कूटी विन कर सकते हैं, कैसे विन कर सकते हैं मैं आपको इसे वीडियो बता चुका हूँ, वीडियो बनाकर। चलिए मैंने आपके लिए टीम बनाई है स्मॉल लीग के लिए, तो यहाँ जॉनी ब्रेसो है एंड आप ले सकते हैं दिनेश कार्तिक को, जॉनी ब्रेसो हल्के रिस्की हैं, आप सेफ प्लेयर लेना चाहते ना कार्तिक को ले लीजिए दोस्तों। यहाँ से आप मैंने रसेल को लिया है, नारायण को लिया, अभिजय शंकर को लिया, ऑप्शन में सेफ ऑप्शन में शाकिब अल हसन है, बाकी और कोई सेफ ऑप्शन नहीं है। बॉलर मैंने भुवनेश्वर कुमार को लिया है एंड यहाँ से लिया राशिद खान को लिया है एंड कुलदीप यादव को लिया, ऑप्शन में आपके पास है सिद्धार्थ कौल हैं दोस्तों जो खेलेंगे एंड लोग खेल सकते, खलील अहमद है ये भी खेल सकते हैं, लेकिन प्लेन आ जाएगी तो उसमें टेंशन ना लें दोस्तों, आपको टीम एडिट मिल जाएगी। यहाँ से मैंने बैट्समैन में क्रिस लिन, डेविड वार्नर एंड मनीष पांडे एंड यहाँ से लिया शुभम गिल को लिया दोस्तों, ये प्लेन इलेवन है दोस्तों मेरी। आप देख सकते हैं जॉनी ब्रेसो, रसेल, नारायण, विजय शंकर, भुवनेश्वर, कुलदीप यादव, राशिद खान, क्रिस लिन, डेविड वार्नर, मनीष पांडे एंड शुभम गिल। कैप्टन वही सेम है सुनील नारायण जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, ओपनिंग बैटिंग करेंगे, बॉलिंग चारों पर कंप्लीट करेंगे, क्रिस लिन में वाइस कैप्टन दोस्तों। ऑप्शन में बता डेविड वार्नर भी ऑप्शन में अच्छे ऑप्शन है, लेकिन एक शर्बाद खेलने आ रहे हैं तो क्या पता पैथन कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आप, और राशिद खान को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो ये टीम सेव होगी दोस्तों।
तो सब विन करना चाहते कार और घर बैठे कार एनफील्ड रॉयल एनफील्ड एंड स्कूटी। तो अब सात प्लेयर बनाइए, सात टीम बनाइए और सातों टीम को जितने ज़्यादा लीग ज्वाइन हो सकते कर सकते हैं कीजिए दोस्तों। जैसे मैंने एक टीम बनाई है, एडिट स्क्वाड किए, यहाँ मैंने माई स्क्वाड एडिट में किया, आप क्लोन में टाइप कीजिएगा क्लोन में, तो एक और एक्स्ट्रा आप सेम जो प्लेयर चीज किए वो आ जाएंगे, आप कुछ चेंज कर करके आप ले सकते हैं। जैसे आप ब्रेडस्टॉक हटाकर दिनेश खाते को ले लीजिएगा, ऐसे ले सकते हैं, बता देता हूँ दोस्तों। आपको यहाँ से डेविड वॉर्नर हटाना पड़ेगा, यहाँ से नीतीश राणा को ले लीजिए एंड यहाँ से रविंद्र थापा को ले लीजिए, आराम से आप दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं। और एक कुछ चेंज कर करके यहाँ से आप अगर रविंद्र थापा का इनको गिल को भी ले सकते हैं, ये कुछ चेंज कर सकते हैं दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं, विजय संघ सुनील कैप्टन, वाइस कैप्टन क्रिस लिन यानी बना सकते हैं, एंड रसेल भी अच्छे ऑप्शन है, राशिद खान भी अच्छा ऑप्शन है। ऐसे क्लोन मैंने आपको टाइम नहीं लगा, क्लोन 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 में टाइप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको सेम टीम बन जाएगा, आपको कैप्टन वाइस चेंज कर दीजिएगा, जल्दी आप टीम बना देंगे, सात टीम बना देंगे जो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 11 टीम ज्वाइन करना, आप तीनों टीम को एक साथ ऐसे देखिए दोस्तों, मैंने 33 तीन टीम बनाया, तीनों टीम से ज्वाइन कर लेता हूँ, एक के बाद ज्वाइन हो गया दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं। चलिए बात करें ड्रीम इलेवन टीम की, तो दोस्तों आप जैसे यहाँ प्लेस पर दो लिखे रहता है, एक डेडलाइन से पहले वाली टॉस से दस मिनट पहले टॉस नहीं हुआ है, 10 मिनट पहले डेडलाइन खत्म हो जाएगी, इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। जैसे ही इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, एक इसकी ये लीग स्टार्ट हो जाएगी, आप इसमें टॉस में प्लेन में मिल जाएगी, टॉस के बाद प्लेन में मिल जाती है, आप सॉरी ये वाली कहाँ गए, लॉक जो सेफ लॉक किया गया है, इसमें आप जैसे ही टॉस डेडलाइन इसकी डेडलाइन ख़त्म होगी, इसकी ये वाली स्टार्ट हो जाएगी, ये लीग स्टार्ट हो जाएगी, आप यहाँ प्ले इन के बाद टॉस के बाद प्ले इन मिल जाएगी, आप यहाँ टीम प्ले में जानकर टीम बना सकते हैं, अच्छे से सेफ प्ले मैंने सेफ प्लेयर लेकर जो 100% सब खेलेंगे बना सकते हैं दोस्तों। मैं दो प्लेस पर कभी ऐसे कर रहा, दो दो लीग खेला रहा है दोस्तों, दो दो लीग, एक ड्रीम इलेवन एक ही खिला रहा है, जो सबको प्ले इन मिल जाएगी, इसमें एक बिना प्ले इन इलेवन वाली एक प्ले इन इलेवन वाली दोस्तों खिला रहा है, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है दोस्तों। आपको मैंने आपके लिए आज डेट में लीडिंग वेबसाइट बनने वाली दोस्तों, क्योंकि यहाँ 100% बोनस इजीबल, 100% बोनस कोई भी ऐसा आप निकाल हमको दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा ऐप नहीं जो 100% बोनस यूज़ करने देता है, हाँ देता हो ग्रैंड लीग में यूज़ करने देता हो, लेकिन ये हर एक लीग में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टू में थ्री में जो अपन लीग खेलते हैं हर एक लीग में 100% बोनस यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, ड्रीम इलेवन टीम हुई, मैंने यहाँ से लूँगा वो जोनी ब्रेडस्टॉक को लूँगा दोस्तों, ये मैं फाइनल टीम जरूर नहीं है, क्योंकि प्लेन आने के बाद मैं चेंज जरूर करूँगा, डेविड वार्नर केन विलियमसन क्रिस लिन एंड यहाँ से मनीष पांडे, आप शुभम गिल को भी ले सकते हैं, कोई मनीष पांडे का ड्रॉप कर क्रेडिट मैनेज करना है, ओलांडो में रसेल नारायण एंड यहाँ से लूँगा विजय शंकर, बॉलर में राशिद खान कुलदीप यादव एंड दूसरे में क्रेडिट मैनेज नहीं कर पाऊँ, यहाँ से मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा डेविड वार्नर को हटाना पड़ेगा एंड यहाँ से मुझे मनीष पांडे को लेना पड़ेगा, आप यहाँ क्रेडिट मैनेज हो जाएगी, फिर भी अभी नहीं मैनेज हो रही है, तो मुझे यहाँ से इधर के केन विलियम्स हटाकर रविंद्र थापा को लेना होगा एंड यहाँ से भुवनेश कुमार को ले सकते हैं आप दोस्तों। ये टीम देखो, ये दोस्तों मैं फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि ड्रीम इलेवन प्लेन इलेवन बाद टॉस के बाद प्लेन इलेवन मिल जाएगी, तो ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, जो भी मिस होता है मैं वहाँ अपडेट करूँगा। तो कैप्टन मैंने सेम अभी नारायण रहेंगे, वाइस कैप्टन क्रिस लिन रहेंगे, सेव किया दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप न्यूज़ लेकर टीम बना सकते हैं दोस्तों। जो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक इतना न्यूज़ लाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, और वीडियो बनाने में मतलब पूरा एक वीडियो बनाने में कंप्लीट वीडियो 5 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।